गुड इवनिंग क्लास, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हमारा सोशियोलॉजी का पेपर सेकंड का जो लेक्चर नंबर 10 है, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो आज हम इसको जो नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट है इस लेक्चर में डिटेल में समझेंगे और देखेंगे भी वो सोशल बैकग्राउंड क्या था, वो इंडियन सोसाइटी का उस टाइम सोसाइटी में क्या ऐसा हो रहा था जो एक इंडियन नेशनलिज्म का जो फिनोमिना है वो इमर्ज हुआ। तो उसी को हम डिटेल में देखेंगे। और जब मैं इसका लेक्चर बना रहा था तो मैं देखा भी इसको, मतलब स्टूडेंट्स को कैसे बढ़िया जो एक पर्सपेक्टिव है दिया जाए। तो मैंने इसको जो नेशनलिज्म का कंसेप्ट है तो इसको मैंने सारे पर्सपेक्टिव से ही कवर करने की कोशिश की है, जैसे कि कॉलोनियल पर्सपेक्टिव, नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव, मार्क्सियन पर्सपेक्टिव, कैम्ब्रिज स्कूल पर्सपेक्टिव, सबल्टर्न स्कूल पर्सपेक्टिव और अदर जो एक और सोशल थिंकर थे उन्होंने नेशनलिज्म पे क्या फिनोमेना दिया। और अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने इस लेक्चर में, एक्चुअली इस लेक्चर को मैंने दो लेक्चर्स में डिवाइड किया क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो रहा था। तो मैंने साथ के साथ देखा कि जो कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में ट्रेंड क्या चल रहा है नेशनलिज्म में, भी इंडिया में क्या है ट्रेंड इन कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स, और साथ के साथ जो नेशनलिज्म एज ए आइडियोलॉजी, इसके अगेंस्ट जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे तो वो उसके अगेंस्ट थे, तो उनका क्या आइडिया था। तो ये मैंने दो लेक्चर्स में सारा इसको कवर करने की कोशिश की है ताकि जो आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए इंडियन नेशनलिज्म पे, जो सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म है, तो भी एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हो। क्योंकि जब सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म की बात करते हैं तो स्टूडेंट को सिर्फ लगता है भी ए आर देसाई की जो एक बुक थी सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, सिर्फ वही लिखना है। बट ऐसा नहीं है, जब सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म जब स्पेसिफिकली बोला जाए बाय ए आर देसाई, तब आपको वो पांच फेजेस की बात करनी है। लेकिन जब आपको बोलते हैं सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म सिंपल, तब ए आर देसाई भी एक पार्ट है और ये डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी एक पार्ट है। तो इसीलिए मैंने इसको होलिस्टिकली कवर करने की कोशिश की है। तो आपने ऑलरेडी देखा है क्योंकि मैं साथ में सिलेबस लेके चलता हूँ। सिलेबस लेके चलने का मतलब ये है ताकि आपको फील आती रहे भी सिलेबस के कैसे एक एक करके टिक करके टॉपिक्स जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। जैसे कि ऑलरेडी ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है, इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन इंडियन सोसाइटी, वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा। तो आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे इन द टू लेक्चर्स। तो सबसे पहले समझो डेफिनेशन ऑफ नेशन। तो नेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, ए नेशन कैन बी डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर कॉमन टेरिटरी, हिस्ट्री, लैंग्वेज, साइकोलॉजिकल मेकअप एटसेट्रा। द मोस्ट एलिमेंट्स ऑफ नेशन इज दैट ऑलवेज सॉवरन, इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनॉमस। तो ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि सेम टेरिटरी, हिस्ट्री, लैंग्वेज, साइकोलॉजिकल मेकअप के बेसिस पे हो सकता है। साइकोलॉजिकल मेकअप जो एक इसमें बताया गया है, तो मतलब साइकोलॉजिकली भी कुछ जो लोग आपस में यूनाइटेड होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अदर फीचर रिलीजन के बेसिस पे भी नेशन बन जाती है, जैसे कि हमने देखा 1947 में जब पाकिस्तान एज ए नेशन बना, रेस के बेसिस पे भी एक नेशन बन जाती है। तो ये चीज़ों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो नेशन, तो ये डेफिनेशन ऑफ नेशन। अब नेशन की जब बात हुई तो अब क्या हुआ, तीन नए एक जो नया कंसेप्ट इमर्ज होता है नेशनलिज्म। तो नेशन से क्या बनता है, नेशनलिज्म। और नेशनलिज्म के साथ ही जो दो टॉपिक्स और हैं, जो दो और टर्मिनोलॉजीज हैं, पैट्रियटिज्म एंड जिंगोइज्म। तो ये भी तीनों टर्म्स जो आपस में कंफ्यूजिंग लगती हैं, सेम मतलब एक तरह का शो करती हैं कंट्री के लिए प्यार, लेकिन अगर आप देखोगे ये तीनों टर्म्स क्वालिटेटिवली बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। तो हम समझेंगे क्या है नेशनलिज्म, क्या है। इट इज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दैट एम्फेसाइज इंपॉर्टेंस ऑफ नेशन एज ए पॉलिटिकल एंड कल्चरल एंटिटी। नेशनलिस्ट बिलीव दैट नेशन इज द प्राइमरी यूनिट ऑफ सोशल एंड पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट शुड बी प्रोटेक्टेड एंड प्रमोटेड। तो
एक पॉलिटिकल और कल्चरल एंटिटी है जो नेशनलिस्ट नेशनलिज्म आइडियोलॉजी मानती है और इसको हमें प्रोटेक्ट करना है और प्रमोट करना है। तो नेशनलिज्म जो हो सकता है इंक्लूसिव भी हो सकता है और एक्सक्लूसिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन भी उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। इंक्लूसिव नेशनलिज्म सीक्स टू एम्ब्रेस ऑल द मेंबर्स ऑफ नेशन रिगार्डलेस ऑफ द रेस, रिलीजन और एथनिसिटी। वेल एक्सक्लूसिव नेशनल डिफाइन नेशनलिज्म एक्सक्लूजनरी टर्म्स, नैरो टर्म्स डिफाइन करता है। तो आप देखोगे जैसे जो नेशन टेरिटरी इंटरेक्ट करता है रेस, रिलीजन, लैंग्वेज, सिविक वैल्यूज पे, तो जितना ज़्यादा जिस सिविक वैल्यूज पे ध्यान देता है उतना ज़्यादा इंक्लूसिव होता है, जितना ज़्यादा रेस, रिलीजन या लैंग्वेज की तरफ भागेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, मोर एक्सक्लूसिव होगा। जब 1947 में हमने देखा जो दो देश बने, एक इंडिया और एक पाकिस्तान, जो इंडिया का नेशनलिज्म था वो इंक्लूसिव नेशनलिज्म था। आप देखोगे भी वहाँ पे कितने सभी रिलीजियस डाइवर्सिटी थी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी थी, रेशियल डाइवर्सिटी थी, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो पाकिस्तान का नेशनलिज्म बना, जो पाकिस्तान ने नेशन डेवलप हुआ उसका क्या था, एक्सक्लूसिव था नेशनलिज्म, एक्सक्लूसिव था। क्योंकि आप देखोगे वो सिर्फ एक रिलीजन, जो रिलीजियस कम्युनिटी थी उसके लिए ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट था। और उसी को अगर आप देखोगे आज, देखोगे वहाँ पे कितने ज़्यादा माइनॉरिटीज पे एट्रोसिटीज हो रही हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अब देखा भी उनकी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं जैसे अफगानिस्तान का अगर आप नेशनलिज्म देखोगे दैट इज आल्सो वेरी एक्सक्लूसिव नेशनलिज्म। तो अगर आप देखोगे आफ्टर द जो वहाँ पे अफगानिस्तान में जो तालिबान का रूल आया था तो दैट विल बिकम वेरी एक्सक्लूसिव नेशनलिज्म। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो उसी के बैकग्राउंड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल भी लेकर आए थे, क्योंकि जब वहाँ पे माइनॉरिटीज पे बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज हो रही थी। तो अब इसकी एग्जांपल जो है, जो आप देखोगे इंडियन नेशनलिज्म जो डेवलप हुआ जो 1920 सेंचुरी में, तो उन्होंने सभी लोगों को, सभी रिलीजन के, सभी कास्ट के लोगों को एक इंडियन नेशनहुड के अंदर यूनाइट किया, हमें एक जो ब्रिटिशर कॉलोनाइजर से लड़ना है। पैट्रियोटिज्म क्या है, इट इज द फीलिंग एंड फीलिंग ऑफ लव एंड लॉयल्टी टूवर्ड्स वंस कंट्री। पैट्रियोटिज्म इन्वॉल्व डीप इमोशनल अटैचमेंट टू वंस कंट्री एंड विलिंगनेस टू सर्व इट। पैट्रियोटिज्म कैन एक्सप्रेस थ्रू मीन्स सच एज नेशनल सिंबल्स, रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस। Unlike nationalism, patriotism does not necessarily involve a political ideology or desire for political power. तो जब आप देखोगे इसकी एग्जाम्पल जो अमेरिकन रेवोल्यूशन के टाइम था, तो उन वहाँ पर लोगों में सेंस ऑफ पैट्रियटिज्म थी, तो वो क्या किया उन्होंने अमेरिकन रेवोल्यूशन के टाइम, वो ब्रिटिशर से लड़े, उस अपने जो उनकी नेटिव लैंड थी उसको फ्री कराने के लिए। या आपने वर्ल्ड हिस्ट्री के अमेरिकन रेवोल्यूशन में पढ़ा होगा भी कैसे जो पहले जो ब्रिटिशर, क्योंकि जो अमेरिका को बसाया था वो ब्रिटिशर्स नहीं बसाया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने कहा भी हम अब ना हो अमेरिकन 100 साल बाद 150 साल बाद और आप ब्रिटिशर हो, तो एक उनकी अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा। और सेम वे जब हम भी देखते हैं, जब हम अपनी फेसबुक की डीपी चेंज करते हैं, जहाँ हम अपनी एक नेशनल फ्लैग के साथ डीपी शेयर करते हैं ऑन द 15 अगस्त 26 जनवरी, तो वो भी चीज़ क्या शो करती है, पैट्रियटिज्म। क्योंकि हम इसलिए नहीं करते कोई हमें पॉलिटिकल पावर चाहिए, जब कुछ हमें कोई हमारी कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, हम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वी लव आवर कंट्री इंडिया। तो ये भी एक पैट्रियटिज्म है। फिर एक और कंसेप्ट था जिंगोइज्म, ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म है, जिसमें क्या कहते हैं भी आप अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी हो, जब मिलिट्री कर दो भी नेशनल पावर और डोमिनेंस बुक दिखाने के लिए। तो आप देखोगे वहाँ पे भी दूसरी उस पे कंट्रीज पे हमला कर देते हैं, उनको अपनी बाउंड्री में वो मिला लेते हैं। तो इसकी एग्जांपल जब देखा जो नाजी जर्मनी था, अडॉल्फ हिटलर ने वहाँ पे उन्होंने जो इन्वेड किया, और जब जापान में था, जो इंपीरियल जापान में, तो ये क्या था, जिंगोइज्म था। अगर काफ़ी आप आज के टाइम पे न्यूज आर्टिकल पढ़ोगे तो कुछ जो थिंकर्स हैं, ये मैं नहीं कह रहा, कुछ थिंकर्स कह रहे हैं और इसलिए मैंने न्यूज का स्क्रीनशॉट भी लगाया है, कुछ थिंकर्स कह रहे हैं जो आज के टाइम पे इन कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में, जैसे देखिए जो मार्च 2023 का वो है, जो मार्च 2023 का
मतलब एक आर्टिकल है सेम वे में, ये एक आर्टिकल था 2018 का। तो यानी कि कुछ लोग ये कह रहे हैं जो कॉन्टेम्प्रेरी सोशल थिंकर हैं, जो बॉलीवुड आज के टाइम पे अपने बेनिफिट के लिए जिंगोइज्म को प्रमोट कर रहा है, तो ये कितना सही है कितना गलत है दैट इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, लेकिन आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हो और अपनी एक बेटर जजमेंट बना सकते हो। तो आई होप आपको जो नेशन, नेशनलिज्म, पैट्रियटिज्म, जिंगोइज्म का कंसेप्ट बहुत क्लियर से समझ आ गया होगा। अब हम जाते हैं इंडियन नेशनलिज्म की तरफ। अब हमारे पास एक अच्छी वो भूमिका बन चुकी है। तो जो इंडियन नेशनलिज्म था ना, पहले अगर आप देखोगे जो ब्रिटिशर के आने से पहले इंडिया कोई नेशनलिज्म का कोई कोई जो आप देखोगे इंडिया जो नेशनलिज्म का था कोई कोई एग्जिस्ट नहीं करता था। इंडिया डिवाइड हुआ वो था डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, सिख एम्पायर है, सिंध में अलग एम्पायर है, मराठा के अलग एम्पायर है, अलग अलग मराठा की जो कॉन्फेडरेशन थी, निजाम का अलग है, जहाँ पे बंगाल है, जहाँ पे कर्नाटक का, तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन से जो आपस में लड़ते रहते थे। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा भी सर जब आपने बोला था भी जो नेशनलिज्म है वो एज ए कंसेप्ट, जो एज ए आइडिया मतलब डेवलप होता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन लैंग्वेज, कॉमन रीजन, कॉमन रिलीजन, कॉमन रिलीजन, कॉमन एथनिसिटी, कॉमन रेस, उसके बेसिस पे जो नेशनलिज्म का आइडिया डेवलप होता है, जब कॉमन हिस्ट्री। लेकिन आप देखोगे इन सभी जो डिफरेंट डिफरेंट ये प्रोविंसेज हैं, द डिफरेंट डिफरेंट जो एम्पायर्स हैं, छोटे छोटे किंगडम्स हैं, तो इनकी डिफरेंट डिफरेंट हिस्ट्री थी। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा भी सर इंडिया में तो ऐसे नेशनलिज्म डेवलप हो ही नहीं सकता था, क्योंकि अगर आप देखिए जब यूरोप में नेशनलिज्म डेवलप हुआ तो यूरोप में अलग अलग नेशन बनी, जो फ्रेंच बोलते थे फ्रांस बनी, जो जर्मनी बोलते थे जर्मन बनी। तो मतलब इंडिया में ऐसा क्या हुआ जो मतलब इतना ज़्यादा वो मतलब इंडिया के जो नेशन इमर्ज हुई डिस्पाइट हैविंग ए डाइवर्सिटी इन द रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज, रेस, एथनिसिटी, ऐसे क्या हुआ? तो अब हम उस जो एक क्या है जे एक इस अब मिस्ट्री को हम रिजॉल्व करेंगे, एक पहेली को सॉल्व करेंगे। अब तो जो पहेली कैसे हुई, तो जो फैक्टर्स हैं तो वो क्या, ऐसे क्या फैक्टर थे जो इंडिया के नेशनहुड को उन्होंने हेल्प किया। तो जो पहला फैक्टर था, अगर आपने देखा होगा जो ब्रिटिशर थे वो जीत रहे थे हर एक टेरिटरी को। जब आपने देखा होगा 1764 में बैटल ऑफ बक्सर बंगाल जीता, फिर इन्होंने कर्नाटक को जीता, हैदराबाद को इन्होंने वो चलो अपनी जो थी सब्सिडरी लाइन्स इसमें ले लिया, पेशवा एम्पायर को कॉन्क्वेस्ट किया, फिर जहाँ पे पंजाब एम्पायर को कॉन्क्वेस्ट किया। तो आप देखो कि जैसे जैसे वो करते जा रहे थे तो यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे अप्लाई करते जा रहे थे, और ब्यूरोक्रेसी, वेस्टर्न एजुकेशन, लॉ, कोर्ट्स, यूनिफॉर्म, मतलब वन एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसने एक तरह का जो सभी लोगों को इकट्ठा किया। सेकंड क्या था, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। जब 1885 में कांग्रेस जो फॉर्म हुई आईएनसी, तो इन्होंने भी सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए और इनको मतलब एजुकेट किया टूवर्ड्स देयर इकोनॉमिक राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स भी आपको कैसे एक्सप्लोर किया जा रहा है, हमने कैसे एक सेल्फ सेल्फ रूल का एक आइडिया दिया, स्वराज का आइडिया दिया, और एक सभी लोगों को यूनाइट किया। तो एक आईएनसी ने, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उसके बाद इन्होंने कॉमन जो सिंबल यूज किए और नए टैक्टिक्स यूज किए, नॉन वायलेंस, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबिडेंस, मतलब ये सब एक क्या थे भी, एक लोगों में एक कॉमन यूनिटी, कॉमन लैंग्वेज हिंदी यूज की, कॉमन फ्लैग, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, तो डाइवर्स लोगों को क्या किया, यूनाइट किया। तो ये भी एक नेशनलिज्म डेवलप होने का एक रोल प्ले किया। जैसे कि अब आप देखोगे जब नेशनल फ्लैग को कोई होल्ड करता है तो सभी, भले ही वो किसी भी रीजन से हो, भले ही वो पंजाब से हो, भले ही वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से हो, भले ही वो साउथ से हो, भले ही वो गुजरात से हो, सभी सेम सेंस ऑफ
ऑननेस वननेस की एक फीलिंग लेते हैं, विजेस ये हमारा फ्लैग है। किसी भी लैंग्वेज के हो, किसी भी कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, कोई भी रिलीजन हो, तो सभी एक तरह का, सभी के मन में एक तरह की रिस्पेक्ट आती है। तो ये क्या होता है, नेशनलिज्म होता है। तो लेकिन अगर आप इसको और समझोगे तो जो इंडियन नेशनलिज्म जो डेवलप हुआ हमारे देश में, तो अगर आप देखोगे ब्रिटिशर्स ने क्या हुआ, ये सारे फैक्टर थे, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर था, जो ब्रिटिशर्स ने हर एक सेक्शन को एक्सप्लॉयट किया, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी जैसी थी, सोशल पॉलिसी जैसी थी, पॉलिटिकल पॉलिसी जैसी थी। तो मतलब जैसे कि भले ही वो किसान के लिए थी, भले ही वो फॉरेस्ट में एक ट्राइब रह रही है, भले ही नॉर्थ में थे, भले ही साउथ में थे, तो सभी के लिए ऐसी पॉलिसीज थी जिसके कारण ब्रिटिशर उनके का ब्रिटिशर ने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया, डिस्क्रिमिनेशन किया। तो सभी तरह के लोग, मतलब ब्रिटिशर्स के इससे जो वो एट्रोसिटीज हो रही थी, इसके खिलाफ वो खड़े हुए। मतलब जो ब्रिटिशर कॉलोनियल एंटी कॉलोनियल जो ब्रिटिशर पॉलिसीज के खिलाफ लड़ना था, तो जो एक एंटी कॉलोनियल हिस्ट्री थी, एंटी कॉलोनियल बैटल थी, उसने सभी एक प्लेटफॉर्म दिया, सभी लोगों को यूनाइट किया। और फिर हमने 1947 को देखा, अभी हमारा देश आजाद हुआ। तो अगर आप देखोगे इंडियन नेशनलिज्म नो डाउट वो डेवलप हो रहा था, लेकिन साथ के साथ रिलीजियस नेशनलिज्म भी डेवलप हो रहा था। जब आप देखोगे जहां पे हिंदू और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस बनी, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, तो ये अपना एक तो इंडियन नेशनलिज्म जो इंक्लूसिव नेशनलिज्म की बात हो रहा था, एक जो रिलीजियस बेस्ड नेशनलिज्म भी डेवलप हुआ। और उसका कारण हमें क्या देखना पड़ा, जो नेशनलिज्म नो डाउट इंडियन नेशनलिज्म के थ्रू देश तो याद हो गया हमारा, लेकिन 1947 जो रिलीजियस नेशनलिज्म था, इसने भी क्या किया, तो जो देश था, इंडिया था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, वो टू नेशन में डिवाइड हो गया, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आई होप आपको जो इंडियन नेशनलिज्म का जो एक कैसे डेवलप हुआ, ये आपको आइडिया समझ आ गया होगा। तो अब हम डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखेंगे टू स्टडी इंडियन नेशनलिज्म। तो फर्स्ट पर्सपेक्टिव था कॉलोनियल पर्सपेक्टिव, जो कॉलोनियल रूलर थे उन्होंने वो पर्सपेक्टिव को डेवलप किया। तो दिस कॉलोनियल पैराडिगम ऑन इंडियन हिस्ट्री वाज डेवलप्ड इन द 19th सेंचुरी थ्रू द वर्क्स ऑफ इंग्लिश हिस्टोरियंस जेम्स मिल, माउंट स्टुअर्ट, एल्फिंस्टन, हेनरी इलियट, जॉन डाउसन, W.W. हंटर, विंसेंट स्मिथ। तो ये जो कॉलोनियल रूलर थे, इन्होंने आइडिया रिजेक्ट किया भी इंडिया कभी नेशन था। तो उन्होंने क्या कहा भी इंडिया कभी नेशन बन ही नहीं सकता, बिकॉज ऑफ जहाँ पे डिसयूनिटी है, आपस में लड़ रहे हैं छोटे छोटे किंगडम, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, और इसीलिए कॉलोनियल रूल जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि एक हारमोनी बन के रहे। देखिए कॉलोनियल पर्सपेक्टिव है तो कॉलोनियल रूल को ही जस्टिफाई करेगा। तो उन्होंने जो कॉलोनियल व्यू था, उन्होंने जो आइडिया ऑफ इंडिया एज ए नेशन को रिजेक्ट किया, और उन्होंने क्या डिपेक्ट किया भी इंडिया एक लैंड है जहाँ पे हॉस्टाइल एंड वायरिंग यूनिट्स हैं, आपस में किंगडम लड़ते रहते हैं। और तभी मैंने हिस्टोरियन ने इनको प्रूव किया भी इंडिया कभी नेशन हो नहीं सकता, ये तो जो कंट्री है डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स और कास्ट में डिवाइड हो रखी है। एज द इंडियन नेशनल मूवमेंट इमर्ज इन 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी, ब्रिटिशर हिस्टोरियन सच जॉन स्टार्चे एंड जॉन स्टीले argued that it's impossible to forge nation in India. कहते नेशन जो ये जॉन स्टार्चे और जॉन सीले थे, ये कहते कभी नेशन बन ही नहीं सकती इंडिया में, आप कितना भी ये कर लो भी, हाँ जी हम साथ में लड़ेंगे, आप कितना भी कर लो, मतलब नेशन डेवलप ही नहीं हो सकती। कॉलोनियल आइडियोलॉग एंड हिस्टोरियन साउट टू काउंटर द नेशनलिस्ट मूवमेंट बाई डाउन ग्रेडिंग इट एज एजुटेशन बाई सेल्फिश मिडिल क्लास मेंबर्स ऑफ और बंगाली बाबूस। तो उन्होंने मतलब कहा भी, अरे आप कह रहे हो ना भी सभी लोग यूनाइट हो गए, एक नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई, भी आप देश याद होगा, कहते ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये कॉलोनियल आइडियोलॉग कह रहे हैं भी ये एक एजुटेशन है जो सेल्फिश, जो एक जो नई नई मिडिल क्लास डेवलप हुई है थ्रू द ब्रिटिश एजुकेशन, थ्रू द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन, ये ब्यूरोक्रेसी, हमारे ये आर्मी, जो भी हमने एक एडमिनिस्ट्रेशन का मैकेनिज्म लेके आया। और क्योंकि आपने देखा होगा जब बंगाल में ज़्यादा पहले स्टार्ट हुआ था,
तो ये बंगाली बाबूजी कर रहे हैं भी, ऐसा कुछ नहीं है, आप भूल जाओ भी, ये कोई जहाँ पे नेशनलिज्म हो सकता है। और कुछ ही हिस्टोरियन थे जैसे कि वैलेंटाइन क्रॉल, जहाँ पे लिखा हुआ है वो कहते भी, जो इंडिया आप बात कर रहे हो इस जैसे जोग्राफिकल एक्सप्रेशन भी, हाँ जी एक हिमालय से एक जो नीचे समंदर तक एक लैंड है बट, और वो भी एक उन्होंने फोर्ज किया ब्रिटिशर्स ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए, आप इसको भूल जाओ भी कभी नेशन बन सकते, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इतनी ज़्यादा डिस्यूनिटी है। तो एक्चुअल में कॉलोनियल पर्सपेक्टिव क्या था बी, क्योंकि उन्होंने को पता था अगर कॉलोनियल रूल का जो सबसे बड़ा एनिमी कौन है, नेशनलिस्ट मूवमेंट। क्योंकि आपने देखा होगा नेशनलिस्ट मूवमेंट ने पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, अमेरिकन रेवोल्यूशन हुई, क्योंकि अमेरिकन रेवोल्यूशन से ब्रिटिशर को भागना पड़ा था, तो उनको समझ आया भी इसको हमने डिस्करेज करना है, इसलिए नेगेटिव बोलना शुरू कर दिया भी ताकि ये डिस्करेज हो। लेकिन हमारे नेशनलिस्ट जो थे वो नहीं डिस्करेज होने वाले थे। तो जो अदर कॉलोनियल वो थे वो तो ये भी कह रहे थे भी इंडिया में कभी लोग इकट्ठे हो ही नहीं सकते, इकट्ठे नहीं हो सकते, तभी तो लोग बाहर से आके हमला कर रहे थे, मतलब कभी अलेक्जेंडर आ रहा है, कभी मुस्लिम रूलर्स आ रहे हैं, और तभी हम आए, तभी पहले दूसरी कंपनीज थी भी, सिर्फ एक ऑनली एक्सटर्नल कंट्री, एक्सटर्नल अथॉरिटी सच ब्रिटिश रूल कहना वो सिचुएशन को करेक्ट कर सकती है, बढ़िया कर सकती है, जबकि इनको ये नहीं पता भी इन्होंने कितना ज़्यादा लूटा उस टाइम इंडिया को। और ये जहाँ तक थे वर्ल्ड वॉर वन के बाद हमने देखा जब गांधी जी आ जाते हैं, तो गांधी जी का जो फ्रीडम स्ट्रगल में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी का, तो वो रोल क्या है भी, उन्होंने जो नेशनल मूवमेंट थी जो अर्लियर एक सिर्फ कुछ लोग कुछ क्लासेस तक लिमिटेड थी, उसमें मास मास मूवमेंट बनाया भी, हर कोई उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, अमीर भी गरीब भी, हर एक रिलीजन का बंदा, हर एक रीजन का बंदा, बच्चे बूढ़े औरतें सब, हर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आपने हमने देखा वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब 1919 में हुई, लेकिन उसको भी डिनाई कर रहे थे भी, नहीं 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 कुछ नहीं, नेशनलिज्म कुछ नहीं है। तो जो कॉलोनियल पर्सपेक्टिव था सिंपल आप अगर समझो तो ये नेशनल पर्सपेक्टिव ये कह रहा था भी नेशनलिज्म कभी इंडिया में डेवलप ही नहीं हो सकता। सेकंड आया नेशनलिस्ट व्यूज, नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव, तो इन्होंने बहुत वो लिखा अगेंस्ट, तो वो कहते भी जो आप कह रहे हो ना भी, मतलब भी जो इंडिया कभी नेशन बन नहीं सकता, आप बहुत गलत कह रहे हो, इंडिया पहले भी नेशन था, कोई ऐसा नहीं है भी, आज आपके जहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन होगी यूरोप में, या अमेरिकन रेवोल्यूशन हो रही है, या जो भी उस टाइम नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हो रही थी भी, हम उससे इंस्पायर हो गए भी, वाओ एक नया कंसेप्ट दिखा नेशनलिज्म। अब हमारे तो जहाँ पे एंशियंट टाइम्स में था, जब हम भारतवर्ष की बात करते थे, जब हम चक्रवर्ती सम्राट की बात करते थे भी, पूरा भारतवर्ष की बात हो रही है तो पूरा भारत को मतलब वो है, तो मतलब इन लोगों ने क्या देखा भी, जो इंडिजीनियस एक रूट देखा, इंडिजीनियस एक एलिमेंट देखे जो एक इंडियन नेशनलिज्म को डेवलप कर रहे हैं। जो अदर नेशनलिस्ट हिस्टोरियन थे सच एस रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी पोर्ट्रेड इंडिया एज ए सिविलाइजेशन विद ए ब्रॉडर सिविलाइजेशन कल्चर यूनिटी दैट इज इंक्लूसिव एंड असिमिलेटिव इन स्पिरिट। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो नेशनलिज्म के आइडिया के अगेंस्ट थे, वो क्यों थे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और उनका आइडिया क्या था। लेकिन ये क्या कहते हैं कि जो सिविलाइजेशनल है, वो जो हर लोगों हर तरह के लोगों को वेलकम किया, असिमिलेट किया, तो ये सब चीजें फिर आप देखोगे जो फैक्टर थे इन्होंने बताया भी, जो नेशनल मूवमेंट आप कह रहे हो नहीं हो रही, तो नेशनल मूवमेंट हो रही है क्योंकि कॉलोनियल रूल के जो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एक नेशनल मूवमेंट राइज कर रही है। तो आई होप आपको जो कॉलोनियल और नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव समझ आ गया होगा। अब आया मार्क्सियन पर्सपेक्टिव, तो मार्क्स कह रहे हैं ठीक है कॉलोनियल और नेशनल पर्सपेक्टिव से आप नेशनलिज्म को स्टडी करो ठीक है, लेकिन कहते भी आपकी क्या है भी एक आइडियोलॉजी से इंस्पायर होके आप कर रहे हो, बट जो एक्चुअल में क्यों हुआ जो नेशनलिज्म डेवलप, अब वो देखो भी, क्योंकि जैसे आप मार्क्सिस्ट अप्रोच है तो मार्क्स हमेशा ये बोलता है भी जब सोशल चेंज कब आता है, जब लोग कब इकट्ठे होते हैं, जब उनकी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में चेंज होता है। तो आप ये देखो भी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में क्या चेंज हुआ, तो आपको वो स्टडी करना है। तो ब्रिटिशर्स ने कुछ पॉलिसीज थी
जिसके कारण जो आप देखोगे भी जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, भले ही वो लैंड हो इंडस्ट्री हो, वो चेंज आया और न्यू क्लासेस डेवलप हुई, तो जिसके कारण वो सोशल चेंज जो एक इकोनॉमिक कॉन्ट्राडिक्शन डेवलप हुई, उसके कारण जो एक नेशनलिज्म डेवलप हुआ। एमन रॉय जो एक बहुत बड़े इंटरनेशनल कम्युनिस्ट मूवमेंट के लीडर थे, तो उनकी बुक थी इंडिया इन ट्रांजिशन। तो उन्होंने बताया कि द मूवमेंट हैड डेवलप्ड सर्टेन जंक्चर इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल कैपिटलिज्म। तो वो कहते भी यानी कि जी इसलिए डेवलप हो रहा है इंडिया में नेशनलिज्म, क्योंकि इंटरनेशनल पैन इंटरनेशनल एक कैपिटलिज्म डेवलप हो रहा है। और उन्होंने कहा भी इंडिया जो कैपिटलिज्म की तरफ जा रहा है एंड ऑलरेडी इन द एम्बिट ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म, जो डोमिनेंट क्लासेज हैं वो कहते हैं वो मतलब कोई फ्यूडल लॉर्ड्स नहीं है इंडिया में, वो बुर्जुआजी है जो बिजनेसमैन है, लेकिन वो क्या है कंजर्वेटिव हैं और वो अपना एग्जिस्टिंग जो प्रिजर्व करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग ऑर्डर। तो इसीलिए जो क्या है एक नेशनलिज्म का एक फिनोमिना डेवलप हुआ। तो रॉय क्या कहता है वी वर्कर आप रेवोल्यूशन करो, तो तभी ही जो एक मतलब क्या हो सकता है एक ट्रू जो आपका सोशलिज्म और कम्युनिज्म आ सकता है। ही बिलीव दैट इंडियन नेशनलिज्म वाज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ नेटिव कैपिटलिज्म बट डेवलप इन द लेट 19 एंड 20 सेंचुरी इन द शेडो ऑफ इंपीरियलिज्म। तो मतलब ये कैपिटलिज्म के कारण जो इंडियन नेशनलिज्म की मूवमेंट जो डेवलप हुई है। तो जहाँ पर उन्होंने ये भी देखा भी यानी कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो क्या है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड एस्पिरेशन ऑफ अ यूथफुल वर्चुआजी, जो नए नए बिजनेस आए मैन आए हैं उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इन्होंने इसको जस्टिफाई कैसे किया, जब आपने देखा होगा उन्होंने बोला बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, भी इंडिजिनियस गुड्स खरीदो, बॉय भी यानी कि स्वदेशी का बात कर रहे हैं, तो स्वदेशी का बात करने का मतलब है भी हमारे जहाँ के इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स की सेल होगी। तो मतलब ये क्या है भी एक नेशनल मूवमेंट, एक जो नए नए बुर्जुआजी थे बिजनेसमैन थे उनको मतलब उनके इंटरेस्ट को मेन प्रमोट कर रही है। अभी आरपी दत्त इन्होंने एक बुक लिखी इंडिया टुडे, तो उन्होंने बताया जो रिवोल्ट थी 1857 की वो ओल्ड कंजर्वेटिव एंड फ्यूडल फोर्सेज के द्वारा थी और डी थ्रोन पोटेंटेंट्स मतलब जो डी थ्रोन कर दिए जो पुराने राजे थे। उन्होंने फिर बताया जो नेशनलिज्म का जो बिगिनिंग हुई वो लास्ट क्वार्टर में हुई 19th सेंचुरी में, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जब डेवलप हुई। तो पहले क्या था जो कांग्रेस थी दत्त कह रहे हैं भी वो ब्रिटिशर ने ही अपने अपनी गाइडेंस और इनिशिएटिव के अंदर इसको बनाया था ताकि ब्रिटिश रूल को सेव किया जा सके, लेकिन स्लोली स्लोली क्या हुआ जो कांग्रेस ने क्या कहते जो अपना लॉयलिस्ट करेक्टर था जो ब्रिटिशर के द्वारा ब्रिटिशर के फेवर में उसको छोड़ा और एंटी कॉलोनियल फोर्स बनी। तो उन्होंने अब देखिए दत्त क्या कर रहे हैं वही मार्क्सिस्ट को एनालिसिस को स्टडी करने एनालिसिस को अप्लाई कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं भी जो क्लास बेस था कांग्रेस का वो चेंज हो गया और नेशनल मूवमेंट जो कांग्रेस का था और नेशनल मूवमेंट का था वो चेंज हो गया जो क्लास बेस था। और उस टाइम आप देखोगे भी जो बुर्जुआजी ये क्या कहना चाहते हैं इंडायरेक्टली जो बुर्जुआजी थे वो उनका क्लास बेस बन गया जो एक हमारी नेशनल मूवमेंट और कांग्रेस था। उन्होंने क्रिटिसाइज किया गांधी जी को भी, उनको गांधी जी को क्या बोला था मास्कॉट ऑफ बुर्जुआजी, और इसीलिए वो कह रहे थे भी जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट में वायलेंस होने लगा तो उन्होंने उसी टाइम इसको विड्रॉ किया, क्योंकि इनको था भी कहीं वर्कर्स रेवोल्यूशन ना करने लग जाएं, अगर ऐसा करेंगे तो जो प्रॉपर्टी क्लास को होगा भी उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने एक तो नेशनल मूवमेंट वाला तो वो रोल तो प्ले किया ही किया, लेकिन साथ के साथ इन्होंने जो बुर्जुआजी के इंटरेस्ट को भी सेव किया। तो आप देखोगे तो जो दत्त का वर्कर था तो अदर मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन को भी उसने इन्फ्लुएंस किया। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा है कैसे डिफरेंट डिफरेंट जो स्कॉलर थे वो लिख रहे थे। अब हमारा जो आगे ए आर देसाई, उनका व्यू क्या है नेशनलिज्म के, क्योंकि इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो उनकी एक बुक थी सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म,
और एक सेकंड बुक थी रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन नेशनलिज्म। तो ये दो बुक्स थी, तो इनमें इन्होंने नेशनलिज्म की जो चर्चा की, तो इन्होंने जो नेशनलिज्म को स्टडी किया प्री कॉलोनियल कॉलोनियल पोस्ट कॉलोनियल टाइम्स में, तो अंडरस्टैंड सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो इन्होंने बताया जो प्री कॉलोनियल पीरियड थे उस टाइम जो फ्यूडल क्लास थी उसने डोमिनेंट किया हुआ था पीजेंट क्लास को, और कुछ जो ज़्यादा फ्यूडल क्लास थी वो मुस्लिम रूलर के अंदर थे जो पीजेंट्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट कर रहे थे। और उसके बाद देसाई एनालाइज्ड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियन सोसाइटी ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। तो कॉलोनियल पीरियड के बाद जो भी स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुई तो उनको भी स्टडी किया, इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन रिलेशन ड्यूरिंग फ्यूडलिज्म इट्स ट्रांसफॉर्मेशन राइज ऑफ कैपिटलिस्ट फोर्स। ही आल्सो इन्वेस्टिगेटेड हाउ नेशनलिज्म इमर्ज इन सच कंडीशंस। तो उन्होंने प्री कॉलोनियल देखा, कॉलोनियल देखा, पोस्ट कॉलोनियल टाइम को पूरी तरह स्टडी किया। उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स को भी स्टडी किया भी जो मतलब डिफरेंट इन जो बुक्स में किया भी डिफरेंट सोशल कल्चरल पॉलिटिकल इकोनॉमिक फैक्टर क्या थे भी जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट नेशनलिज्म डेवलप हुआ। तो उनको उन्होंने बताया भी हर एक नेशन जो भी बनी है हर एक नेशन का एक यूनिक आइडिया है, एक पर्टिकुलर हिस्ट्री है, कुछ सोशल कंडीशंस हैं, भी ऐसा नहीं सेम फ्रेमवर्क आप लगा सकते हो। तो जब वो इंडियन नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं तो उन्होंने जो इंडियन नेशनलिज्म के फेज को था पांच फेजेस में डिवाइड किया। तो फर्स्ट फेज क्या था, जो ये अर्ली 19th सेंचुरी से 1885 तक था। 1885 क्या है, द फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस। तो ये क्या कह रहे हैं भी इस टाइम जो इंडियन नेशनलिज्म का जो बेस था बहुत ही ज़्यादा नैरो था, जहाँ पे ब्रिटिशर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा नए नए जो एक न्यू क्लास डेवलप हुई थी, न्यू इनलाइटेंड पीपल डेवलप हुए, जैसे राजा राम मोहन रॉय थे। तो जो इंटेलिजेंट जो न्यू इनलाइटेंड पीपल थे, तो उन्होंने जैसे राजा राम मोहन रॉय पहले थे जिन्होंने इंडिया आइडिया दिया इंडिया एज ए नेशन का, और उनका जो ग्रुप था ब्रह्मो समाज था उन्होंने इस आइडिया को प्रोपेगेट किया। और उसी टाइम अगर आप देखोगे जो रॉयस के आइडिया थे, राजा राम मोहन रॉय के आइडिया थे, उन्होंने इंडियन सोसाइटी में कुछ नए प्रिंसिपल भी इंट्रोड्यूस किए, डेमोक्रेसी, रैशनलिज्म, नेशनलिज्म, और काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स उस टाइम चली। उसी टाइम हम देखते हैं सती एबॉलिशन हुई, विडो रीमैरिज, फीमेल एजुकेशन की बात हो रही है, वुमेन एजुकेशन की बात हो रही है। तो मतलब एक धीरे धीरे एक डेमोक्रेटिक कॉन्शियसनेस डेवलप होने लगी लोगों में। और इसी टाइम इन जहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात हुई, मतलब इन्होंने कहा भी जो एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोगों को, हमारे लोगों को भी लो। तो जहाँ पे जो फर्स्ट फेज था ये 1885 तक था, सेकंड फेज हो गया 1885 में जब कांग्रेस की फाउंडेशन हुई। तो जहाँ पे जो कांग्रेस लीडर्स ने नेशनल मूवमेंट को क्या किया, लेड किया, और जहाँ पे अगर आप देखोगे वेस्टर्न एजुकेशन की ग्रोथ के कारण न्यू मर्चेंट क्लास और एजुकेटेड एलीट्स भी इस टाइम डेवलप हुए, और जहाँ पे ग्रोथ ऑफ ट्रेड भी हुई, ट्रेड बहुत ज़्यादा ग्रो किया इंडिया में भी और आउटसाइड इंडिया में भी। राइज ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेटअप लेड टू ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल क्लास विच गेन स्ट्रेंथ। तो जहाँ पे अगर आप देखोगे जो कांग्रेस ने प्रोग्राम किया इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ कंट्री और स्वदेशी कैंपेन को भी प्रमोट किया, इन्होंने इंडिजीनियस इंडस्ट्री की बात की, जिस तरह हम आज हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, मतलब इंडिजीनियस चीज़ों की बात कर रहे हैं, उसी तरह कांग्रेस उस टाइम 1905 में स्वदेशी की बात कर रही थी, इंडियनाइजेशन ऑफ जहाँ पे सर्विसेज की बात हुई, और बहुत सारे इंडियंस ने मतलब अपने आप को एसोसिएट किया विद एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्टेट मशीनरी के द्वारा जहाँ पे। लेकिन इसी फेज में जो मिलिटेंसी थी वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई। तो ये देखिए जैसे स्वदेशी की बात हो रही है, स्वदेशी खरीदो, जो उस टाइम 1905 में इन द वेक ऑफ जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी वहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। अब थर्ड फेज जो है 1905 से 1918 तक है, ये जो फेज था इसको एक्सट्रीमिस्ट फेज कहा गया। तो जहाँ पे पीरियड ऑफ मिलिटेंसी था, लोअर मिडिल क्लास भी इसमें जो नेशनल मूवमेंट में जुड़ गई।
और जहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट ने जो फीलिंग ऑफ नेशनल सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसको इंस्टिल किया लोगों में। वियर आप सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करो, क्योंकि उस टाइम आपने देखा होगा कई जगह डिस्क्रिमिनेशन होता था। एक अगर आपने वो मूवी देखी होगी अजय देवगन की, जो शहीद भगत सिंह जी पे बनी है, तो वो वहाँ पे कैसे मतलब थिएटर से बाहर निकाल देते हैं मार के, वो जो भगत सिंह जी के दोस्त को, तो फिर वो कैसे जाते हैं वहाँ से लड़ते हैं। तो एक इस टाइम क्या थी, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हो रही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात हो रही है। लेकिन जहाँ पे आप देखोगे लीडर्स ने भी, ऑल द नेशनल मूवमेंट की बात हो रही है, लेकिन जहाँ पे हिंदू कॉन्शियसनेस भी डेवलप हो रही है, मुस्लिम कॉन्शियसनेस भी डेवलप हो रही है, तो आप देखोगे इसी टाइम में जो मुस्लिम लीग की फाउंडेशन हुई, तो कहीं ना कहीं जो जहाँ पे नेशनल मूवमेंट का सेकुलर करेक्टर था वो वीक होने लगा। अब फोर्थ फेज आया 1918 से सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट। तो जहाँ पे अगर आप देखोगे, क्योंकि जहाँ पे 1980 में नेशनल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो महात्मा गांधी जी, जो इसको गांधीन फेज भी कहते हैं, जब 1915 में, आफ्टर 1915 इसको गांधीन फेज बोलते हैं, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो जहाँ पे आप देखोगे तो अब ये मास मूवमेंट बन गई थी, मासेस को इंट्रोड्यूस किया। तो अब ऐसा क्या हुआ जो मासेस में नेशनल अवेकनिंग हुई? एक तो जो उस टाइम आपने देखा होगा 1914 में वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुआ था, जो 1918 तक ख़त्म हो गया था, तो जहाँ पे जो इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो गया था, अब वहाँ पे आप देखोगे डिसिल्यूजनमेंट विद गवर्नमेंट प्रोमिसज। तो इसी टाइम अगर आप देखोगे 1990 में मंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आए थे, तो इन्होंने कहा था भी हम आपको देंगे डोमिनियन स्टेटस, लेकिन कुछ भी नहीं मिला ऐसा, जब भी सेल्फ रूल का कुछ देंगे, कुछ प्रॉमिस, तो सभी लगे आते तो बेवकूफ़ बना रहे हैं हमें, जो लोगों को लगा। और आप देखोगे जहाँ पे रिप्रेशन ऑफ स्टेट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। अगर आप देखोगे इसी टाइम 1919 में जलियांवाला बाग मासेकर, रॉलेट एक्ट, तो यानी कि गवर्नमेंट मार रही थी इंडियंस को। और इसी टाइम अगर आप देखोगे और जगह पे सोशलिस्ट रेवोल्यूशन कंट्रीज में हो रही थी, जैसे कि रशियन रेवोल्यूशन भी इसी टाइम हुई, तो लोगों को वो रशियन रेवोल्यूशन को देखा, क्योंकि वो एक उस टाइम एक बहुत ज़्यादा बड़ा इवेंट था भी, एक कंट्री का पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज हो रही है, तो लोगों को लगा अभी अगर वहाँ भी हो सकती तो इंडिया में क्यों नहीं हो सकती, तो फिर एक मास मूवमेंट बनी। लेकिन आप देखोगे जहाँ पे जो कैपिटलिस्ट हैं वो भी जो क्या हुआ वो स्ट्रांग हो गए, क्योंकि उस टाइम इनकी इंडस्ट्रीज बूम हुई, क्योंकि इन्होंने जो रॉ मटेरियल्स फिनिश्ड गुड इंडिया में जो इंडस्ट्री थी वो बूम हुई, क्योंकि वॉर इन द ड्यूरिंग द वॉर पीरियड। और आप देखोगे इन्होंने जो कांग्रेस को भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया, जो इंडियन कैपिटलिस्ट थे, जो स्वदेशी की बात करो, जब बॉयकॉट फॉरेन गुड्स की बात करो, ताकि और फायदा हो सके। फिफ्थ फेज कहाँ तक है, मतलब जो देश आज़ाद हुआ, तो फिफ्थ फेज में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर टू होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, कुछ लोग गांधी जी की आइडियोलॉजी से डिसअपॉइंटेड हुए, तो इसी टाइम अगर आप देखोगे न्यू वो बने, मतलब ग्रुप्स बने, जहाँ पे कांग्रेस में ही कुछ ग्रुप्स वो हो गए। तो इसके कारण आप देखोगे जहाँ पे जो सुभाष चंद्र बोस है वो अपनी एक नई कंप वो बनाते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो जब कई बार आपका प्रीवियम क्वेश्चन आता है कि सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो फाउंड की थी, लेकिन लोग कई बार हिंद जो कई बार क्या एस्पिरेंट क्या करते हैं भी आज़ाद हिंद फौज की बात करते हैं, आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस जी ने ही फाउंड की थी। और इसी टाइम जो मुस्लिम लीग ने भी एक प्रोमिनेंस बुक की। तो आप देखोगे भी मतलब जो ये A.R. देसाई थे, इन्होंने डिफरेंट फेजेस के दौरान जो इंडियन नेशनल मूवमेंट की हिस्ट्री को, जो कैसे ओरिजिनेट हुआ उसको स्टडी किया। तो यही आपका जो था भी कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट डिफरेंट वो नेशनलिज्म डेवलप हुआ। तो आई होप आपको जो इंडियन नेशनलिज्म का आइडिया समझ आया गया होगा, कैसे डेवलप हुआ, कॉलोनियल पर्सपेक्टिव क्या कह रहा था,
नेशनलिस्ट परस्पेक्टिव क्या कह रहा था, मार्क्सियन परस्पेक्टिव क्या कह रहा था, और एआर देसाई का क्या आइडिया था ऑन द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे विद जो अदर परस्पेक्टिव्स हैं, कैम्ब्रिज परस्पेक्टिव क्या है, सबल्टर्न परस्पेक्टिव क्या है, और अदर जो डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स के परस्पेक्टिव क्या हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए क्लास। सो थैंक यू।